हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन जीएस तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एसएससी बैंकिंग रेलवे वगैरह के एग्ज़ामों के लिए खास करके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एमटीएस सीएचएसएल जीडी वगैरह के एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो लोग इंडियन जी में नए हैं सब्सक्राइब नहीं, है, नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें तो चलिए जानते हैं क्वेश्चनस को पहला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन और ऑफ एलमुनियम मेटल मतलब इनमें से कौन सा और है जो कि जिसके थ्रू एलमुनियम को निकाला जाता है एलमुनियम मेटल बनाया जाता है तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट बॉक्साइट सेकेंड हेमेटाइट थर्ड असफेलेराइट और फोर्थ चालकोसाइट तो इसमें राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर वन इसका राइट right ऑप्शन होगा बॉक्साइट से एलमुनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है अब नेक्स्ट जानते हैं और भी कितने ऑर्स को जान लेते हैं जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसमें अल्मोनियम का बॉक्साइट है और सेकेंड है नाइट है फ्रॉम क्ले से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है अब आयरन के कितने ऑर्स हैं वो सभी भी जान लेते हैं आयरन का फर्स्ट है हीटाइट मैग्नेटाइट सीडेराइट और आयरन पायराइट्स इन चारों के थ्रू आयरन को एक्सट्रेट किया जाता है मतलब आयरन बनाया जाता है और ये सभी और आयरन के नेक्स्ट कॉपर का जान लेते हैं कॉपर पायराइट्स मिले है मिलेकाइट है क्यूप्रिट है और कॉपर ग्लैंस इन सभी चीज़ों से कॉपर को बनाया जाता है इन सभी और से कॉपर को बनाया जाता है मतलब अयस्क से नेक्स्ट है जिंक जिंक को किससे किससे निकाला जाता है तो ये जिंक ब्लेंड जिसको अस्फ्लेराइड भी बोला जाता है और सेकेंड कैलम से निकाला जाता है और थर्ड जिंकाइट से निकाला जाता है जिंक को तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट मेटल के और से हैं दैट मीन्स अयस्क जिसके थ्रू ये सभी मेटल को बनाया जाता है तो इतना याद रखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं क्वेश्चन नंबर टू दैट मीन्स लेमन कंटेंस विच एसिड मतलब लेमन में कौन से एसिड पाया जाता है तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पालमेटिक एसिड सेकेंड नाइट्रिक एसिड थर्ड ट्रिटरिक एसिड और फोर्थ साइट्रिक एसिड तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट right ऑप्शन होगा दैट मीन्स लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है अब वो जान लेते हैं और विभिन्न विभिन्न चीज़ों में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं और उनका पी वैल्यू क्या होता है तो इसमें विनेगर का पी वैल्यू होता है टू और इसका केमिकल नेम होता है एसिटिक एसिड और ऑरेंज में पाया जाता है साइट्रिक एसिड जिसका पीएच वैल्यू होता है टू पॉइंट थ्री और टामारिंड तो दैट मीन्स इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड जिसका पीएच वैल्यू होता है थ्री पॉइंट फोर होता है और सावर मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जिसका पी वैल्यू होता है थ्री पॉइंट तो ये सभी चीज़ें हैं जिनका केमिकल नेम और पी वैल्यू दिया गया है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अलकाली मेटल मतलब इनमें से कौन सा मेटल है जो कि अलकाली मेटल का एग्जाम्पल नहीं है अब ये जान लेते हैं फर्स्ट सॉरी ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में मैगनीशियम सेकेंड सोडियम थर्ड पोटेशियम और फोर्थ लिथियम तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट right ऑप्शन होगा दैट मीन्स मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि अलकाली मेटल नहीं है अब इसके बारे में जान लेते हैं अलकाली मेटल किसको बोला जाता है तो जो ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के उसको जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को अकाली मेटल बोला जाता है और ये सभी एलिमेंट हैं लिथियम सोडियम फ्रेंसियम पोटेशियम रोबिडियम और सीजियम ये सभी अलकाली मेटल्स हैं जो कि ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के मतलब आवर्त सारणी के तो ये याद रखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ मतलब एक एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स थर्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और फोर्थ न्यूट्रॉन्स ओनली तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मान लीजिए ये न्यूक्लियस है किसी एटम का और इसके आउटर लेयर्स हैं तो इसमें जो न्यूक्लियस में क्या क्या होंगे इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसमें रिवॉल्व करते रहता है इसके चारों ओर तो इतना चीज़ें याद रखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी कुकिंग गैस एलपीजी गैस का फुल फॉर्म क्या होता है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट लिक्विफाइड लिक्विड पेट्रोलियम पेट्रोल गैस सेकेंड लिक्विफाइड प्रेशर गैस थर्ड लिक्विफाइड नेचुरल गैस और फोर्थ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो इसका राइट right ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा दैट मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एल का फुल फॉर्म अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज इन थर्मोमीटर टू शो द टेम्परेचर मतलब थर्मोमीटर में क्या यूज किया जाता है टेम्परेचर को सो करने के लिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट लेड सेकेंड मरकुरी और थर्ड सिल्वर और फोर्थ में नन ऑफ द नन ऑफ दिज तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा दैट मीन्स ऑप्शन नंबर टू इसका राइट right ऑप्शन होगा मरकरी का यूज किया जाता है थर्मामीटर में टेम्परेचर को दिखाने के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज ड्राई आइस मतलब इनमें से किसको ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट ओजन सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड ऑक्सीजन और फोर्थ नाइट्रोजन तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर टू इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है ड्राई आइस के नाम से भी कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है मतलब कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो ये सी ओ टू दैट मीन्स कार्बन एक और ऑक्सीजन दो कार्बन डाइऑक्साइड अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द केमिकल कंपाउंड फार्मूला ऑफ द इथेनॉल मतलब इथेनॉल का केमिकल कंपाउंड फार्मूला क्या होता है वो पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है सी एस सी ओ थ्री सेकेंड सी एस थ्री सी डबल ओ एच थर्ड सी एस थ्री सी एस टू ओ एच और फोर्थ सी एच सी एल थ्री तो इसका राइट right ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा दैट मीन्स सी एस थ्री सी एस टू ओ एच इसका होता है केमिकल फॉर्मूला इथेनॉल का इसमें क्या होता है मिथ में होता है सी एच थ्री ओ एच होगा और इथ में मतलब इथेनॉल में डबल सी हो जाएगा और बाकी ओ OH एच इसमें जुड़ा हुआ रहेगा इथेनॉल में अब नेक्स्ट जानते हैं और भी केमिकल नेम है और इनके फॉर्मूले कुछ दिए हुए हैं इनको भी जान लेते हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है सी एच थ्री सी डब्लो एच होता है क्लोरोफॉम का फॉर्मूला सी एच सी एल थ्री होता है और मिथेन का फॉर्मूला सी एच फोर होता है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है सी सी ओ थ्री होता है लाइम कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है सी ए होता है और मार्बल दैट मीनस कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है सी सी ओ थ्री इसका फार्मूला होता है और लास्ट क्या है वाशिंग सोडा जिसको सोडियम कार्बोनेट भी बोला जाता है इसका फार्मूला होता है एन इसका फॉर्मूला होता है ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं एस एस वगैरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें से एक दो क्वेश्चन रहते ही हैं, हैं केमिकल फॉर्मूला से तो इसे याद रखें अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज मतलब मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है ये पूछा जा रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर वन में दिया हुआ है वन टू में थ्री थर्ड में फोर four, और फोर्थ में टू तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट right ऑप्शन होगा दैट मीन्स मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो टू होता है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितनी होती है दैट मीन्स एटॉमिक नंबर तो इसकी एटॉमिक नंबर होती है बारह और इसकी वैलेंसी इस तरह होगी टू कोमा एट कोमा टू तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बोला जाता है और इसी को वैलेंसी बोला जाता है इन द फॉर्म केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूज मतलब मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाया जाएगा हवा में तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा तब इसमें ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड कोमा वाटर एंड लाइट सेकेंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट थर्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट एंड लाइट और फोर्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर एंड हीट तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट ऑप्शन होगा हो जाएगा दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड कॉमा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा एयर में इसका फार्मूला क्या होगा मैग्नीशियम का एम हो जाएगा प्लस एच टू ये हो जाएगा उसके बाद इसका हो जाएगा एम जी ओ प्लस एनर्जी एनर्जी में क्या हो जाएगा हीट और लाइट निकलेगा इसका एनर्जी में तो ये है इसका केमिकल इक्वेशन अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट केमिकल सिंबल पेयर इज इनकरेक्ट ये अंडरलाइन करें कि करेक्ट पूछा जा रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो इसमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जर्मेनियम का जी होता है सिल्वर का ए होता है और ये गैलोडीनियम का जी होता है और गोल्ड का ए तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है तो ऑप्शन नंबर फोर इसका इनकरेक्ट होगा गोल्ड का जी नहीं होता है इसका गोल्ड का ए होता है केमिकल सेम्बल ये याद रखें अब नेक्स्ट जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड बट बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इनमें से कौन काफ़ी हार्ड होता है लेकिन उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होता है मतलब बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट डायमंड सेकेंड कॉपर थर्ड गोल्ड और फोर्थ सिल्वर तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर वन इसका राइट right ऑप्शन होगा दैट मीन्स डायमंड डायमंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता बाकी ये सभी चीज़ें जो कॉपर गोल्ड सिल्वर है इन सभी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है और ये सिल्वर जो है इसको बेस्ट फॉर्म माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का अब नेक्स्ट जानते हैं मेलिक एसिड इज मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन मतलब मेलिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट जिंजर सेकेंड लेमन थर्ड एप्पल और फोर्थ टैमरिंड तो इसमें किस में पाया जाता है मेलिक एसिड सबसे ज़्यादा तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड दैट मीन्स एप्पल में पाया जाता है मेलिक एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में इसीलिए एप्पल खाना चाहिए मेलिक एसिड के लिए अब नेक्स्ट जानते हैं और भी क्या क्या फूड आइटम्स होते हैं जिनमें एसिड प्रजेंट होता है तो जिंजर में होता है एरिस्टोलोकिक एसिड और टैमरिंड में होता है टैरिकटरिक एसिड मतलब जो इमली जिसको हम लोग बोलते हैं और विनेगर में होता है एसिटिक एसिड मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड और लेमन में होता है साइट्रिक एसिड ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं जिसको याद करना काफ़ी महत्वपूर्ण है अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट में देर इज़ ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन आइटम्स सेकेंड देर इज़ ए डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन आइटम्स थर्ड There इज ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स और फोर्थ में नन ऑफ द एव तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट right ऑप्शन होगा दैट मीन्स there इज ए सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए ना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उन सभी चीज़ों को बोलेंगे और ये जो सिंगल बॉन्ड वाले जो कार्बन्स होते हैं उसको सेचूरेटेड दैट मीन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेचुरल गैस इज़ ए मिक्सचर ऑफ मतलब नेचुरल गैस जो होता है वो किन चीज़ों का मिक्सचर होता है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट कीटॉन्स सेकेंड एल्कोहल्स थर्ड हाइड्रोकार्बन्स और और एम आइंस तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर होते हैं जो नेचुरल गैस होते हैं हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से ये मिलके बना हुआ गैस होगा जैसे कि सी एच फोर मिथेन हो गया वगैरह वगैरह जो सभी गैसें हैं इन सभी में इन सभी को नेचुरल गैस बोला जाता है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं एक निश्चित रेशियो में तो ये था दोस्तों केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि विभिन्न एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और जो लोग इंडियन जी में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले तो थैंक यू दोस्तों